एक नवा टेक्निक आई है रोबोटिक, रोबोटिक मतलब मशीना, मशीना नाल सर्जरी होंदी है। पहला कट लगा दिता जाता सी या दूरबीन नाल करदे सी, एक सिस्टम नवा है जिहदे विच पंज छे छोटे छोटे मोरे किए जाते हैं, उन्दे विचों रोबोट उन्दे विचों मशीना जांदियां ने, तो तीनों चारों पासे थलो उपर दी दिखांदा है। बहुत ही वधिया तरीके नाल ऑपरेशन होंदा क्योंकि जिहड़े रोबोट ने उह सारा कुछ दिखांदा है। अगर एक ह्यूमन देख रहा है, एक डॉक्टर या दो चार डॉक्टर देख रहे, उन्होंने उन्नी जगह ही दिखती है जिन्ना उन्होंने कट लगाया। इतने काफ़ी सारिया चीज़ें अंदर जाके अलग अलग कैमरे अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं, जूम करते हैं दूरबीन नाल वड्डा वड्डा दिखा के उन्हें बैटर कर देते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फोर्टिस के एक डॉक्टर ने, गायनकोलॉजिस्ट ने, जो मैं पंजाबी से कहां तो जिहड़ियां औरतां ने लेडीज़ ने उन्होंने डॉक्टर ने। ये सिर्फ डॉक्टर वही है जो दवाई देते हैं, ये डॉक्टर है जी वड्डियां वड्डियां प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम जिन्हों दसते हुए आप डरते हैं, वो प्रॉब्लम जिहड़ियां छोटी कुड़ियां छोटिया बच्चियों के आ जाती है तो आप इग्नोर कर दें कि कितने जावे कि गल करा। कई बार माँ बाप झिझकते हैं, शर्म भी मानते हैं कि गल करा, की प्रॉब्लम है। वो छोटी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम बड़िया हो जाती ने कुछ टाइम बाद, वो सारे की प्रॉब्लम अज बहुत ईजीली सॉल्व हो जाती है, बहुत ईजीली आप उन्होंने तो निजात पा सकते हैं। अच्छा ना, डॉक्टर ने फोर्टिस के डॉक्टर ने इन्हों गलबात करते हैं, मोहाली तो आए ने, बठिंडा आए थे, असं इन्हों इंटरव्यू वास्ते कहा कि आप इन्हों गलबात करते हैं। मैम, गुड इवनिंग। मैम, किस तरह के डॉक्टर हो तुम? कि मैं बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, उसके बाद मैं स्पेशलाइजेशन की रोबोटिक सर्जरी, पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, फिर रोबोटिक सर्जरी, नाउ आई एम रोबोटिक कैंसर सर्जन, और मैं हाईएस्ट ट्रेन्ड रोबोटिक सर्जन फॉर कंट्री हूँ। मेरी हाईएस्ट ट्रेनिंग है, मेरे अलावा कोई और सर्जन के पास वो ट्रेनिंग नहीं है। मैम, तुम्हारा नाम? स्वप्ना। डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा। ओके, सो डॉक्टर मिश्रा तो पूछते हैं, हिंदी से गल करते हैं। सो मैम, ये जो रोबोटिक सर्जरी है, ये कितनी एक्सपेंसिव है जनरल सर्जरी से? देखो, जनरल सर्जरी में भी आप देखिए, अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में सर्जरी कराते हैं, आप पूरा खर्चा लीजिए। आप एक नॉर्मल सर्जरी करा रहे हो, घर में आप पेशेंट को दो महीने का बेड रेस्ट दे रहे हो, एंटीबायोटिक दे रहे हो, पेन किलर दे रहे हो, आप उसको ठीक करने के लिए एक नर्स या कोई असिस्टेंट को हायर कर रहे हो, आप ओवरऑल खर्चा अगर देखोगे तो 2.5 से 3 लाख किसी सर्जरी का आ जाता है, अगर आप पूरा खर्चा लो। मैं आप बोली हूँ कि सर्जरी कराओ रोबोटिक, जो आपका 2 से 2.5 लाख में होता है, 24 घंटे में पेशेंट घर चल के जाता है, एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं, हफ्ते में नौकरी पे जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म खर्चा देखो तो रोबोटिक का सर्जरी तो नॉर्मल जनरल सर्जरी से भी सस्ता हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए फर्स्ट पूछा कि सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि जितना बड़ा डॉक्टर, जितनी बड़ी सर्जरी, जितना बड़ा नाम, लोगों को लगता है खर्चा उतना ज़्यादा होगा। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो खर्चा ऑलमोस्ट उतना ही आता है, उतना की खर्चा आता है, क्योंकि जे महीना दो महीने काम ते ना गए, या महीना दो महीने रेस्ट किया, जेडे उपर उन्होंने देखते हैं माँ बाप, जो उन्होंने देखभाल करेंगे वो भी, उन्होंने भी छुट्टियां लेनिया पैदा, घरदियों को छुट्टियां लेनी पैदा, वो सारा खर्चा मिला के ऑलमोस्ट खर्चा लै दे के उ आ जाता, और ये प्रॉब्लम नहीं है। हूँ आप पूछते हैं खर्चे की गल, इतने छड़ के खर्चा तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, हूँ आप गल करा एग्जैक्टली है की है ये, की फायदे ने, की नुकसान है। सो मैम, लैट स्टार्ट विद एक ओजी चीज़ ना गल करते कि जी, छोटी लड़कियां 15-16 साल की लड़कियां के जिदे विच प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चेदानी कढ़नी पैंदी है, होर प्रॉब्लम्स आंदियां ने, उन्हें किस तरह ट्रीट किया जाता है, कैसे ट्रीट करते हो? देखो, पहले क्या होता था कि बच्चेदानी या अंडेदानी में प्रॉब्लम आई यंग गर्ल्स में, एक ही ऑप्शन था कि निकलवा लो। ठीक है, अब इस लड़की के पास यही ऑप्शन है, बच्चेदानी निकलवा लो, अंडेदानी निकलवा लो, फिर आगे शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं कर सकती, ये ऑप्शन था। पर यही तो हम बोल रहे हैं कि आज की इस न्यू टेक्निक से आपको अंडेदानी या बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यूट्रस बचाओ, ओवरी बचाओ, यंग लड़की है, क्यों निकालना? टेक्निक है, अवेलेबल है, इस टेक्निक से आप सारे के सारा डिजीज़ निकाल सकते हो, बीमारी निकाल सकते हो, बिना बच्चेदानी को निकाले, बिना अंडेदानी को निकाले, बिकॉज यही 16 साल की लड़की ने 25-26 साल में शादी करनी है, आगे प्रेगनेंसी करनी है, फैमिली देखनी है, उन सब चीज़ों के लिए उसके ऑर्गन को बचाना ज़रूरी है, जो सिर्फ रोबोटिक टेक्निक से पॉसिबल है। मैम, कितनी देर का प्रोसीजर होता है सर्जरी करने में? अगर आप ओपन सर्जरी करने में अगर घंटा लगता है तो रोबोटिक में भी 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सर्जरी करने। और कितनी जल्दी डिस्चार्ज होता है, घर चला जाता है पेशेंट? अगर आप बिलीव करोगे तो 12 घंटे के अंदर पेशेंट चल के वॉशरूम जाता है, 24 घंटे के अंदर अपना खाना खा के चल के घर जाता है, ना उसको कोई एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, और नॉर्मल एक क्रोसिन की टैबलेट इज द ओनली पेन किलर जिस पे वो बिल्कुल ठीक रहता है। मैम, जनरली ना ये बोला जाता है कि जब कहीं पे भी कैंसर होता है, या अगर हम कहें कि स्टोन होते हैं, जो पत्थरी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दोबारा बन जाती है, जनरली रीअकरेंस हो जाती है, दोबारा बन जाती है, तो रोबोटिक सर्जरी और उस दूसरी सर्जरी में क्या ये सेम है, सिमिलर सिस्टम है, या कुछ अलग है?
रोबोट का क्या एडवांटेज है? कोई भी चीज़ अगर मैंने आपको बोली जो चीज़ नॉर्मल दिख रही है, सपोज ये मेरी उंगली ये है और मुझे सर्जरी के दौरान यही दिख रही है, तो मैं इतना ही सर्जरी करूँगी। यही उंगली अगर मुझे ये दिख रही है तो मेरी सर्जरी ज़्यादा बेटर होगी। रोबोट आपको 20x जूम व्यू देता है, आपको 3-dimensional व्यू देता है, तो आपकी सर्जरी ज़्यादा प्रिसाइज होती है। जब आपका सर्जरी प्रिसाइज होता है, आपका ट्यूमर रिट्रैक्शन रिमूवल ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपके रिकरेंस कम होते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी में देखा गया है कि लैप्रोस्कोपिक वर्सेस जनरल सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी के रिकरेंस रेट सबसे कम होते हैं, क्योंकि आप बहुत प्रिसाइज सर्जरी करते हो, सही ढंग से ट्यूमर निकालते हो, सही ढंग से इलाज करते हो। सो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आपने ये बोला कि जो मुझे समझ आ रही है कि जब रोबोट करता है तो आप बिल्कुल उतना ही पीस निकालते हो, अगर आम सर्जरी उसमें ज़्यादा निकालना पड़ता है। रोबोट आपका जो ट्यूमर का जो स्प्रेड आउट है वो अच्छे ढंग से दिखाता है। एक अगर मैं आम सर्जरी करूंगी, मेरा कोई ट्यूमर है वो वहां का वहां दिख रहा है, रोबोट मुझे उसके आसपास का स्प्रेड भी दिखा देगा, सारा दिखा तो देगा। मेरा रिमूवल जो एरिया है वो ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर की मैं दूरबीन वाली सर्जरी या मैं ओपन सर्जरी। लिम्फ नोड्स के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्टिव है ये, कितना ज्यादा काम करता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कैंसर सर्जरी करो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिम्फ नोड कितना निकाल रहे हो। मैं ओपन सर्जन थी कैंसर, फिर मैं बनी लैप्रोस्कोपिक, फिर मैं बनी रोबोटिक। ओपन सर्जरी मेरा लिम्फ नोड क्लियरेंस होता था 60-65%, विच इज वर्ल्ड वाइड प्रूवन। लैप्रोस्कोपिक में मेरा बना 70-75%, रोबोट से मेरा लिम्फ नोड क्लियरेंस 90%। ओके, सो 90% लिम्फ नोड्स हम क्लियर आउट कर देते हैं। क्लियर आउट कर देते हैं। और जो बाकी बच जाते हैं उनका क्या? माइक्रोस्कोपिक है, जो तुम्हारे अगर लिम्फ नोड्स पॉजिटिव आते हैं, आप अकॉर्डिंग टू द स्टेजिंग आप पेशेंट को रेडिएशन या कीमो देते हैं। सो 90% अगर लिम्फ नोड क्लियरेंस इज अ वेरी हाई क्लियरेंस। कोई भी सर्जरी आपका 100% क्लियरेंस नहीं देती, क्योंकि आंखों से जो चीज दिख सकते हैं वही निकाल सकते हो ना, जो सेल आपको दिख ही नहीं रहे वो कैसे निकालोगे। पर उसमें भी रोबोटिक आपको एक लैप्रोस्कोपी या ओपन से ज्यादा बेटर क्लियरेंस देता है। ओके, सो माय अनदर क्वेश्चन इज के आपकी जो टेक्निक है दिस इज ओनली फॉर गायनेकोलॉजिस्ट या आप बाकी भी है? बाकी भी अवेलेबल ये टेक्निक रोबोट इज फॉर एवरी सर्जरी, चाहे जनरल सर्जरी यूज कर सकता है, हेड एंड नेक कैंसर वाले यूज कर सकते हैं, थायराइड में भी होती है सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी थी, किडनी वाले डॉक्टर्स की सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांट रोबोटिक होता है, ये तो हर स्पेशलिटी यूज करता है। ओके, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको मोहाली आना पड़ेगा आपके पास? ऑफ कोर्स फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ही आना पड़ेगा। सो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली आने के लिए क्या वो इमरजेंसी में आ सकता है या ओपीडी के साथ करना? ओपीडी में मेरा डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा के नाम से बुकिंग, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, वेबसाइट में बुकिंग कर सकते हो, वॉक इन आ सकते हो, मेरा नाम लेके आ सकते हो, बस दैट्स ऑल। ओके, एंड if there's a patient which is cancer patient, अगर ovarian cancer है या gut cancer है या जिसको हम कह देते हैं कि after generally जो generally लोगों को ये बोला जाता है कि अभी stone है या अभी tumor है लेकिन बाद में पता लगता है वो cancer है, so उसकी कितने success rate है और उसका procedure कितना लंबा है? First of all, ऐसा कभी नहीं होता कि आपका diagnosis बने ही नहीं। diagnosis तब नहीं बनता अगर आपने सही ढंग से investigation कराई नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आजकल जो हमारे पास मोडालिटीज़ हैं, आपके पास 3 टेस्ला MRI होते हैं, पेट सीटी होते हैं, पहले से ही पता रहता है कि स्टोन का केस है कि गट का केस है या कैंसर का केस है। और अगर कैंसर का केस पहले से ही डायग्नोज हो, सक्सेस रेट हैज़ बीन 100%। आपकी रोबोटिक सर्जरी में मैंने पिछले 5 सालों में जितने भी कैंसर पेशेंट, अभी पिछले 5 सालों में कोई भी पेशेंट रिकरेंस के साथ नहीं आया है। इसका मतलब सर्जरी का सक्सेस रेट हैज़ बीन 100% एज ऑफ नाउ इन माई पेशेंट। कितने आपने अभी तक डॉक्टर साहब कितने? कल ही मैंने अपने 261th रोबोटिक सर्जरी की। ओके, बीच में 2 साल हमने किया नहीं कोविड की वजह से, जब पूरा शटडाउन हो गया था, तो पिछले तो 261th रोबोटिक सर्जरी। किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी है, किसी पेशेंट में रिकरेंस नहीं हुआ है, किसी पेशेंट को हमने 2 दिन से ज्यादा, 1.5 दिन से ज्यादा कभी हॉस्पिटल में रखा ही नहीं, किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ी, किसी पेशेंट को स्ट्रॉन्ग पेन किलर की जरूरत नहीं। ओके, और जो आपने जो ऑपरेट किए हैं सारे गर्ल्स के, मोस्टली फीमेल्स के? आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, सो आपने वही सब किया। ओके, सो आफ्टर सर्जरी कितने टाइम तक लोगों को आपके पास विजिट करना पड़ता है? जनरल सर्जरी में तो काफी टाइम होता है, इसमें कितना होता है? रोबोटिक सर्जरी में आपकी एक विजिट लगती है 10 दिन के बाद, जो हम पिंस लगाते हैं उसको निकालने के लिए, एक विजिट उसके महीने के बाद, दैट्स ऑल, उसके बाद कोई नहीं। और रीअकरेंस के लिए टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जरूरत है? जो कैंसर पेशेंट का रीअकरेंस का जो प्रोटोकॉल है वो वर्ल्ड वाइड सेम है, चाहे आप रोबोट से करो, ओपन करो, ये पेशेंट को 3 महीने तक, 2 साल तक आना पड़ता है, फिर हर 6 महीने में अगले 3 साल। ओके, तो 5 साल की सर्वेलेंस। ठीक है, अगर हम कैंसर की तो बात होगी, अगर हम कैंसर से दूर जाएं, जो नॉर्मल इश्यूज हैं, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो इश्यूज आते हैं, जैसे कि ओवेरियन आपका एंडोमेट्रियोसिस, सिस्ट होती हैं, जो
जिन्हों पंजाबी रसौली कह देते हैं, हाँ, से जो रसौलियाँ हैं या स्टोन है जो जो पत्थरियाँ हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, मतलब कितने आपको विजिट देनी पड़ेंगे, कितना टाइम लगता है? दो विजिट, सेम, एक विजिट 10 दिन के बाद, एक विजिट 1 महीने के बाद बस। और ऑपरेशन से पहले भी विजिट होंगी? ऑपरेशन से पहले एक ही तो विजिट होगी, जब आपको ऑपरेशन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, आप एनएससी क्लियरेंस कराएंगे, आपको सर्जरी का डेट देंगे, बस दैट्स इट, 3 विजिट्स एंड इट्स डन। ओके, मतलब 1.5-2 घंटे की सर्जरी, उसके बाद 1 दिन आप रहो एंड यू आर डन, उसके बाद बिल्कुल। और रीअकरेंस के कितने चांसेस है वैसे जनरल, मतलब अगर आई हैव नॉट सीन, अभी तक मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा नहीं, जब होगा तो मैं बता दूंगी परसेंटेज। अभी तक कोई वो चांस, अभी तक आई हैव नॉट सीन। सो ये थे एसी के डॉक्टर मिश्रा। एक नवा टेक्निक आई है रोबोटिक, रोबोटिक मतलब मशीना नाल सर्जरी होती है, पहला कट लगा दिता जाता सी या दूरबीन नाल करते सी, एक सिस्टम नवा है जिदे विच 5-6 छोटे छोटे मोरे किए जाते हैं, उन्दे विचों रोबोट, उन्दे विचों मशीनां जांदियां ने, तो तीनों चारों पासे थलो उपर दी दिखांदा है, बहुत ही वधिया तरीके नाल ऑपरेशन होंदा, क्योंकि जिहड़े रोबोट ने उह सारा कुछ दिखांदा है, अगर एक ह्यूमन देख रहा है, एक डॉक्टर या 2-4 डॉक्टर देख रहे, उन्हां नूं उन्नी क जगह ही दिखदी है जिन्ना क उन्होंने कट लगाया। इत्थे काफ़ी सारियां चीज़ां अंदर जाके वो अलग अलग कैमरे अलग अलग चीज़ां दिखांदे, जूम करदे दूरबीन नाल वड्डा वड्डा दिखा के उन्हूं बैटर कर दिंदे, उन्हूं वधिया कर दिंदे, उहदे नाल डॉक्टर नूं ऑपरेशन करना बहुत सौखा हो जाता है। दूसरी चीज़ जिहड़ी बच्चियाँ दी प्रॉब्लम आती है बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र दे विच अजकल प्रॉब्लम आने लग गई है, वह प्रॉब्लम का इलाज ये हुंदा है, तुहानू बच्चेदानी कढ़ाने की लोड़ नहीं, या तुहानू बाकी चीज़ें बाकी ऑर्गन बाहर कढ़ाने की लोड़ नहीं, उत्थे ही उहदा इलाज हो जाता है। और ये भी, और डॉक्टर साहब ने जिवें कहा कि जी 260 के करीब 261 ये ऑपरेशन कर चुके हैं हाले तक, तो उहदे विच सारे सक्सैसफुल रहे ने, अज तक दोबारा नहीं होया है, और ना ही किसी बच्चेदानी को कढ़ने की लड़ पी, ना किसी होर चीज़ को बाहर कढ़ने की लड़ पी, या किसी किडनी को बाहर कढ़ने की लड़ पी, सब कुछ सक्सैसफुल होया। अगर तुहानू इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो तुसी फोर्टिस मोहाली दे विच जाके इन्हां नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन भी है मैम, ऑनलाइन भी आपको कर सकते हैं, अवेलेबल हूँ, इवन मेरा इंस्टा एंड फेसबुक पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ बाय द नेम डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा, तो किसी भी ढंग में आप मुझको मैसेजेस भेज सकते हैं, उसके थ्रू मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much.